करनाल की बेटी हरिका का नासा अमेरिका में 15 दिन अध्ययन के लिए चयन हो गया है। हरिका को आज ही नासा से मेल आई है। आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 13 में रहने वाली हरिका के घर में आज महिला दिवस से एक दिन पहले खुशी का माहौल बना हुआ है। अब हरिका नासा में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। करनाल की बेटी हरिका जहाँ कल्पना चावला में अध्ययन किया था, उसी नासा सेंटर में पढ़ाई के लिए जा रही है। आज उसके दोस्त व टीचर की मौजूदगी में हरिका को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। हरिका का कहना है कि वह भविष्य में काफी स्पेस से संबंधित अध्ययन करना चाहती हैं। हरिका की माँ भी बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी अब अमेरिका में जाकर पढ़ाई करेगी और यह प्रदेश के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। नासा जा रही है तो कैसा लग रहा है? आपने कैसे मोटिवेट किया बच्ची को? बच्ची को मोटिवेट बस एक सपोर्ट बन के खड़ी हूँ, पीछे दोनों हाथ खोल के। अगर कुछ नहीं मिला तो बेटा दैट्स लर्निंग, और मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। बट हमारा पेरेंट्स का तो सिर्फ सपोर्ट ही होता है कि खड़े हैं बेटा करो, और रीचेकिंग करना कि वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। महिला दिवस पे आपको खुशखबरी भी मिली है, उसके लिए बधाई भी आपको। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चियों को, आगे बढ़ रही है उनको क्या कहना? नहीं, बच्चियां तो बहुत अच्छा कर रही है। मैं औरों को भी सलाह दूंगी जो बच्चियों का बिल्कुल वो करती है कि बेटियां शादी कर दो और घर भेज दो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बेटियां आज कहां पहुंच गई हैं। बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं और उनको सिर्फ एक सहारा चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, उनको बाहर एक बार निकालना होता है कि हाँ बेटियां तुम भी कुछ कर सकती हो। तो बस वही। आपने एक पहली शिष्य आपने तैयार की, अपनी बहन को तैयार किया जो नासा सिलेक्शन हो चुका है, क्या कहेंगे? मेरा इतना बड़ा योगदान नहीं था, वो मेरी फ्रेंड रही है, हम 2 साल से काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो मुझे था कि बस इतना मैं उसको सपोर्ट कर सकूं, उसके इतने अच्छे एम्बिशंस हैं, उसको एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट बनना है, तो मेरी सिर्फ इतनी हेल्प थी कि वो जो कर रही है तो मैं उसमें उसको सपोर्ट करूं। और उसके जैसे राइटिंग और इंटरव्यू में था तो मैंने उसकी जस्ट हेल्प करी, और वो भी इसीलिए क्योंकि मेरी गाइडेंस ग्रूमिंग इतनी अच्छी रही है। मैं मिस्टर बैनर्जी की बेटी हूँ, तो आफ्टर ऑल जिस एनवायरमेंट में उन्होंने मुझे पाला पोसा है, तो हमेशा हमें ये ग्रूमिंग मिली है कि हम फ्रेंड्स के लिए खड़े हों, उन्हें सपोर्ट करें। और खासकर जहाँ पर बात आती है गर्ल्स की हेल्प करने में, आई एम ऑलवेज रेडी कि मैं इतनी प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे एजुकेशन भी मिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रखा, तो मेरे अलावा भी जो लड़की बड़े सपने देखती हैं बस उसको सपोर्ट करना है। और कुछ बड़ा योगदान नहीं था मेरा। बेटा आपका क्या नाम है और कहाँ पर आपकी सिलेक्शन हुई है, उसका क्या आपके जीवन में योगदान रहा, किस किस का? मेरा नाम हरिका है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मेरे उस लाइफ में पूरा मैं टेक्सास जा रही हूँ, और उसकी वजह से मेरे को एस्ट्रोबायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, बेसिकली स्पेस में, स्पेस एक्सप्लोरेशन की, हम स्पेस पे जाके हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे मार्स में और भी प्लैनेट्स पे। तो ये सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का, मम्मा का, पापा का, लेट ग्रैंड मॉम का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान था, और बाकी मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइक फ्रेंड जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरे प्रोजेक्ट्स में, SOPs में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसेज लिखने में, और सर का जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार किया। और सिर्फ ये इंटरव्यू नहीं, 7th grade में भी मैंने सर के साथ लिया था, क्लासेस ली थी सर के साथ, और मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब ने सपोर्ट किया इसके लिए। अब इसकी वजह से मैं टेक्सास जा रही हूँ समर स्कूल के लिए, 15 days के लिए। बेसिकली समर स्कूल है कि हमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम वहाँ क्या करेंगे स्पेस ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद फिर हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे हम नासा आगे जाके परस्यू कर सकते हैं एज अ साइंटिस्ट। तो कितनी खुशी है इस अचीवमेंट में? बहुत इतनी बता भी नहीं सकती, बट पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ज्यादा खुश है मुझसे भी कि मैं चली गई। और बेसिकली मैं नहीं जा रही हूँ, मैं पूरे करनाल को एज अ रिप्रेजेंट, पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पे कि मैं इंडिया से आई हूँ और टेक्सास जाके पढ़ रही हूँ। तो भविष्य में क्या सपना है, क्या बनना है, कैसे करना है? मुझे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट बनना है, बेसिकली जो स्पेस में जाके मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स में जाके बताता है कि वहाँ पे रहने की है पॉसिबिलिटी या नहीं। तो कब जाना आपने, कब से? जुलाई एंड में, और अगस्त 3 अगस्त तक ये खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम, और ये 2020 में ही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.